यान जा रहा है होली खेलने, ये देखो गुब्बारे तो देख लो एक बार इसके, बहुत दिया भी अंदर भी पड़े हैं। और ये रे गुलाल, ये जा रहा है देखो अभी होली खेलने नीचे। दोस्त कब से बुला रहे हैं इसको, और इसको मैंने उठाया, बोला था 9:30 अभी ये वाइट वाइट बन के जा रहा है, अभी देखना थोड़े थोड़े करके ले जा बेटा, अभी कह रहा और डाल दो इसमें बैलून, आराम से खेलना ठीक है। गाइस देखो रियान यहाँ खेलने के लिए गया, बच्चों के साथ ही आ गया, आते अटैक होगा इसके ऊपर, ये देखो आ गए आ गए आ गए। स्टार्ट भाई, तू इतना वाइट वाइट क्यों लग रहा है हमें। अभी ये वाइट से कलर्ड हो जाएगा। गाइस रियान ऐसे पहली बार नीचे आके ग्रुप में खेल रहा है, अदरवाइज रियान हमेशा फैमिली के साथ ही खेलता है, यहाँ पे आके दोस्त कुछ ज़्यादा ही बन गए हैं उसके, सारे दोस्त देखो नीचे गली में खेल रहे हैं। सना भी गुब्बारे लेके जा रही है मारने के लिए बच्चों को, तो यहीं से मारेंगे बच्चों को मेरे, ये देखो ये यहाँ से मारेगी बच्चों को। निशाना एक भी अच्छा नहीं है सन्नी तेरा, ये मार रही है गुब्बारे ऊपर से ही, नीचे चली गई ना तेरे को भूत बना देंगे ये। गुड मॉर्निंग गाइज, हैप्पी होली। सो बस अभी उठे हैं एंड रियान को मैं उठ के देखा है तो रियान भाई साहब नीचे खेलने गए हैं होली, वो तो पूरा भूत बन गया, और इधर गोलू बैठा हुआ है, गोलू हैप्पी होली। अभी गोलू को डांट पड़ी है क्योंकि गोलू कर लेता है ओवर ईटिंग, उसके बाद ये वॉमिट कर लेता है, फिर ये मम्मी से डांट खाता है। गोलू तो अभी प्लान है कि मैं और रियान जाएंगे मामू के घर होली मनाने, एंड फिर देखते हैं क्या बनता है क्या नहीं, जो भी होगा आपको दिखाएंगे, तो ब्लॉग को एंड तक देखना। एंड अगेन हैप्पी होली। पापा पानी डाल रहे हैं इन पर। एक बच्चा बदल गया इन लोगों ने, जब से अंदर से बैलून मार रहा था। आया नहीं ना, यही है। गाइस ये रियान सामान लेके आया हुआ है, आधा सामान तो मैं नीचे ले गया खराब, ठीक है यूज़ कर चुका है, ख़राब नहीं बोलूँगी, तो अब ये बचा लिया इसने हमारे लिए। गाइस मैं अपने होली लुक के लिए तैयार हो गई हूँ, ये तेल वेल लगा लिया मैंने, कलर नहीं छूटेगा, मैंने अभी अभी बाल ठीक करवाए हैं। गाइस हम आगे ऊपर वाली आई, मैं अपनी दोस्त को कलर लगाने के लिए। तेल वेल पूरा चौपड़ गया है, जैसे आ जाओ। मुझे इसी खुशी में आई।
मैंने तो आज भी नहीं लगा। हैप्पी होली भैया। गाइस मामू के घर पहुंच गए, रात ही बैलून पड़ा हम लोगों में इतनी तेज। चलो आरती घुमा दियो। मारना 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 Oh my god.
आगे वसीम चाचू की पहली होली है शादी के बाद। शादी के बाद तो पहली होली शादी के बाद ही तो होती है बाबू। हैप्पी होली वसीम एंड चांदनी। थैंक यू। चांदनी नहीं आई है क्योंकि चांदनी की तबीयत सही नहीं है, इसलिए मेरे पति जी की बीयर चल रही है। एंटी टाइम हैप्पी होली। कंपनी दे रहे हैं राजेश जीजू फ्रॉम चंडीगढ़। ये हमारे साहू जी हैं जो कुछ पीते नहीं है, सिर्फ पेप्सी पीते हैं और दवाई पीते हैं। रियान भाई सब की आंखें खराब। तो हमारे होली के साइड इफेक्ट्स बहुत बुरे रहे हैं। मेरी मम्मी मिक्सी चला रही है गड़गड़ तो बहुत ज़्यादा थक गए हम लोग, सो गए थे और अभी आई गए 7:30-8:15 हो रहे हैं और अभी हम उठे हैं। हाँ ये तो नीचे खेल रहा था, हम सो गए थे। मैं 5:30 अराउंड सोई थी और अब 7:30-7:15 उठी हूँ। सो देखते हैं, शायद रात को मामू वगैरह का प्लान है, वो आएंगे एंड जो भी होगा वो देखते हैं। फिलहाल तो यही है कि वो आएंगे, अभी वो लोग किसी काम से गए हुए हैं बाहर, तो फ्री होंगे फिर आएंगे। गाइस अभी 1.5 घंटे में माई मामू आने वाले हैं, उनका भी कॉल आया था। तो मम्मी पापा बस डिनर की तैयारी कर रहे हैं बिकॉज डिनर उनका आज हमारे घर है। तो मम्मी ने आई गेस राजमा चावल बनाए हैं एंड साथ में कोई सब्जी बनाई है, तो मम्मी पापा वही बना रहे हैं। और रियान का जो आईज है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है क्योंकि ये भाई साहब सुबह 9 बजे से खेल रहे थे और दोपहर तक खेले हैं, उसके बाद जब हमारी खेलने की बारी आई तो ये एकदम, बट नो वरीज आज सारे ही डाउन डाउन है बिकॉज हम लोग बहुत थक गए हैं। ऑल्दो हम सो चुके हैं 1-1, 2-2 घंटे, बट फिर भी बहुत ज़्यादा डाउन डाउन हो रहा है। वो अभी रहेगा जब तक रात को नींद पूरी नहीं होगी, वो ऐसे ही रहेगा। चार बातें सुनने के बाद भाई साहब ने दूध पीना शुरू किया। क्या हो रहा है बता तो दे। बंद कर दूँ? देखो भाई राजमा चावल बन रहे हैं, स्किन ख़राब हो गई है, मम्मी की तो स्किन दिख रही है ख़राब हुई भी। कोई नहीं, 2-4 दिन में ठीक हो जाएगी। तो सूखी सब्जी कौन सी बन रही है? साथ में राजमा। गाइस नानू भी आ गए हैं। नानू ऐसे करो, पूछो कैसे हो, पूछो बोलो कैसे हो।
गाइस नानू का ना थोड़ा सा ऐसे ना कम सुनता है, तो मैं इनको कह रही हूँ कैसे हो बोलने के लिए मुझसे पूछ रहे हैं। गाइस पापा ने मोहितो बनाया, बनाएंगे मतलब वो भी सूट समेत। मैं वसी मैं फोन करा, मैंने कहा कहीं आज मिट्टी बैठ लेकर ना जाना, मेरा इतना मन था ना। लेकिन ये तो उसके बना रहे हैं स्प्राइट। आज बर्फ तू कह रही मैंने आज तक किया ही नहीं है मुझे, तो इनके हाथ का मेरे बालों से नहीं उतरा कलर देख रही हो। मामी के बाल पूरे पिंक हो गए। मैं पीछे घूमना हाईलाइट करा लिया मामी ने। हो गए मम्मी के भी हो गए हैं। स्पेशली करवाते हैं पता है, पैसे खर्चते हैं हजारों के पिंक कराने के लिए, तो फ्री भी हो गए हैं। बता दो एक बार खाना कैसा लग रहा है हमारा। बढ़िया चाच, जीजू को तो नहीं इतना पसंद आ रहा होगा, वो तो खुद ही बनाने वाले हैं। उतना टेस्टी तो नहीं बना सकते हम जितना जीजू बनाते हैं। फीलिंग वही आ रही होगी, जीजू प्लेट भी वैसी है। प्लेट से पता लग रहा होगा खाली हो गई प्लेट। खाना एकदम टेस्टी स्वाद बना है, आपके हाथ लगे हैं ना, टेस्टी तो बनेगा ही। बाय गाइस। हाँ क्या कह रहे हो? सुनाई नहीं दिया आपको मैंने क्या बोला? सो गाइस सब लोग घर जा चुके हैं एंड बहुत मज़ा आया, बहुत फन था एंड बहुत ज़्यादा थक गए हैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज सारा दिन इतनी मस्ती करी, इतना फन किया, तो शाम को सो गए थे बट फिर भी वो दो घंटे की नींद से कुछ हुआ नहीं। तो कोई नहीं, अब आराम से सोएंगे एंड मॉर्निंग में आराम से उठेंगे। तो इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको हमारा आज का व्लॉग अच्छा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। गुड नाइट।